हेलो एवरीवन, सुमित शर्मा दिस साइड। सो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सेकंड काइंड का इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और म्यू टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। सो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल दिया, जो भी समझ लें। ठीक है, इंटीग्रल बिकम्स अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल्स टू वन। कैसे? एक्स इक्वल टू वन यहाँ डालिए, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो इन्फाइनेट हो जाएगा। ठीक, पता लगे अनबाउंडेड का मतलब यही होता है। ठीक, सिंस लिमिट एक्स गोज टू वन, वन माइनस एक्स की पावर वन, ये हम लिमिट चेक करते थे। लिमिट याद कीजिए, जब म्यू टेस्ट पढ़ा रहे थे तो लिमिट एक्स गोज टू ए एक्स माइनस ए की पावर म्यू इंटू एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स हमारा मल्टीप्लाई किए इस चीज़ से। ठीक, आगे देखते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो जस्ट वन मिनट। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए म्यू इक्वल टू वन बाई टू है, ये हमें अच्छे से पता है। वन माइनस एक्स की पावर म्यू होता था तो म्यू देखिए यहाँ हाफ है। ठीक, यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में कुछ ऐसा आपको दिख रहा है जो कट जाए ऊपर नीचे से। यहाँ देखिए वन माइनस एक्स की पावर हाफ, यहाँ पे देखिए वन माइनस एक्स की पावर हाफ, यानी कि वन माइनस एक्स की पावर हाफ इज़ द ओनली फैक्टर विच मेक्स इट इनफाइनाइट। यानी कि अगर एक्स इक्वल टू वन यहाँ डाले तो सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से ये पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। तो क्यों ना हम इसी फंक्शन को उड़ाने की सोचें, तो इसको ये चीज़ पूरा रूट से बाहर निकाला तो ये वन माइनस एक्स की पावर हाफ हो जाएगा। यहाँ भी वन वही चीज़ लिखा है, यहाँ भी वही चीज़, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या ये। अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन डाल दीजिए, नीचे वन बाई टू बने, नीचे टू बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ हमारे पास ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ वन बाई टू हुआ ना, क्योंकि टू इंटू टू फोर हो गया, रूट में वन बाई टू। ठीक है, हाँ वन बाई टू हो गया। अब क्या हुआ, तो ये हमारे पास आ गया। हैंस बाई इंटीग्रल बाई म्यू टेस्ट द इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट। तो म्यू टेस्ट की वजह से इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर आप यही मेरे क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाएंगे, देख के चले जाएंगे, तो आप बीएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर जो भी पेपर हो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, बिना किसी डर के हिचकिचाहट के। आपको कोई रोक नहीं सकता पेपर निकालने से। ठीक, लेकिन अगर बड़े बहुत ही ध्यान से देख के जाएंगे, ठीक, सिर्फ देखना ही नहीं उसको सॉल्व करके भी जाना है। पहले अपने मन से सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो देखिए मैंने क्या बताया है। मैं वीडियो के बीच बीच में बहुत कुछ ऐसे टिप्स दे जाता हूँ जो उस क्वेश्चन को पूरा उड़ा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपनी कम्युनिटी में। ठीक है, ताकि लोगों का भी भला हो सके।